अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर का रुख करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता में प्रगति की उम्मीद के बीच तेल की कीमतें आज ऊपर चढ़ गई हैं और इसके साथ ही तेल में पिछले सत्र के नुकसान की भरपाई भी की है। ये फ्रेश रिमाइंडर है कि आपूर्ति तंग बनी हुई है। दरअसल आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले सप्ताह अमेरिकी कच्चे तेल के शेयरों में तेजी से गिरावट आई थी। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स ने खुलने के तुरंत बाद $112.78 के उच्च स्तर को छू लिया है और पिछले सत्र में 2% के नुकसान को उलटते हुए $1.35 या कहें 1.2% की तेजी के साथ $111.58 पर दर्ज किया गया। यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी कि WTI क्रूड फ्यूचर्स मंगलवार को 1.6% की गिरावट के साथ $1.29 या 1.2% उछल कर $105.53 प्रति बैरल हो गया है। बाजार से जुड़े सूत्रों के अनुसार अमेरिकी पेट्रोलियम संस्थान उद्योग समूह ने बताया कि 25 मार्च को समाप्त में कच्चे तेल का स्टॉक 30 लाख बैरल कम हो गया है। इसके बाद से बाजार का ध्यान आपूर्ति में कमी पर केंद्रित हो गया है। पिछले सत्र में बाजार में लगभग 2% की गिरावट आई थी जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण के 1 महीने से अधिक समय बाद कीव और दूसरे शहरों के आसपास सैन्य अभियान को कम करने का वादा किया था। हालांकि हमलों की खबरें हैं वो जारी रही। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वलदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि मंगलवार को इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता से आशाजनक संकेत मिले हैं, लेकिन वह ठोस परिणामों की तलाश में थे। वहीं रिकवरी से पता चलता है कि तेल बाजार में कम से कम किसी भी प्रगति को लेकर संदेह की एक मजबूत स्थिति है। गौरतलब है कि ऐसी स्थिति के बीच प्रमुख तेल उत्पादक देशों का समूह ओपेक और सहयोगी 31 मार्च को बैठक करने वाले हैं। वहीं सूत्रों के अनुसार इसमें तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति बन सकती है। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी खबरें और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।